देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। सिद्धार्थनगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को लगभग 11 बजे पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल जाकर MRI यूनिट का उद्घाटन करने के साथ जिले की 52 करोड़ लागत की विभिन्न 32 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसके बाद जनपद मुख्यालय पर जेल के सामने स्थित मैदान से मुख्यमंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान रैली को हरी झंडी दिखाई और जनसभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान की उपयोगिता को गिनवाते हुए आने वाले दिनों में बच्चों को हर सहूलियत देने की बात कही। बेसिक शिक्षा परिषद ने पिछले वर्ष हम लोगों ने जब एक अभियान चलाया था, 1,54,00,000 बच्चों ने बेसिक शिक्षा के स्कूलों में प्रवेश लिया था और उन सभी बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स और स्वेटर देने का कार्य हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। साथ ही साथ पिछले वर्ष हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिन 38 जनपदों में दिमागी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस से असहाय यहाँ के बच्चे कालकल्पित हो जाते हैं, इसके लिए टीकाकरण का एक बृहद अभियान चलाया था। के अवसर पर आया था तो यहाँ के हमारे सांसद जी ने, हमारे विधायकों ने, सभी ने मांग की थी एक मेडिकल कॉलेज यहाँ होना चाहिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है हम लोगों ने सिद्धार्थनगर जनपद को मेडिकल कॉलेज दे दिया है और शीघ्र हम इसका शिलान्यास भी करने के लिए यहाँ पर आएंगे। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।